और अबर सबको दिए मौका और सबने बनाया बोका, अबर जे भी कैसे मारेगा चौका ही। लाठी से सरकार चलाना चाहता है, इसके पहले भी की आप देखिए कते लाठी होगा। पहले रघुवर वैसे तो बोलते हैं मुंडा ने मुड़ दिया, कोड़ा ने कोड़ दिया, और अब हेमंत सरकार ने कमर तोड़ दिया। कि अगर यदि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले 60-40 की नीति को ख़त्म करूंगा और एक स्पेशल स्थानीय नीति बनाऊंगा जिससे झारखंडी छात्रों को लाभ मिल सके। मैक्सिमम वह जो है सीटों पर उतारने का कोशिश करेंगे और हम लोग, ताकि सरकार बनाने में मुझे सहूलियत हो। लोग भी जो है ना ऐसा प्रश्न पूछते हैं, बीजेपी नज़दीक में अभी विधानसभा चुनाव है, अभी किस तरह से अभी तैयारियां हैं आप लोग? देखिए सबसे पहले जितना बड़ बड़ पार्टी है वकर से बेस्ट तैयारी हमार है। इतना सीधा बात कहेंगे कि हमारी तैयारी जो है, हमारी तैयारी के सामने जो है वो लोग नतमस्तक हो गया है, वो लोग हम लोगों से डरने लगा है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों से डरने लगा है सारे पार्टी के लोग। दादा लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या कमी हो गया था जो कि आप लोग से थोड़ा चूक हो गया? चूक नहीं हुआ, देखिए आप देखिए पहली बार की आप वह आए चुनाव में, और चुनाव में राजनीति का जो है हम लोगों का उतना अनुभव नहीं हुआ था, जो प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, राजनीतिक अनुभव की कमी थी। लोग हमारे जोश बहुत ज़्यादा था लेकिन हम लोग को होश नहीं था कि हम लोगों को बूथ लेवल तक जाना है। हम लोग सिर्फ सम्मेलन करते थे, उस भीड़ से ही हम लोग आकलन कर रहे थे कि हम लोग जीत जाएंगे, जिसके कारण ये चूक हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दादा लोगों का ये कहना है जिस तरह से लोकसभा में जिस तरह से लेट से मतलब कैंडिडेट दिया गया था, अभी लोगों का ये कहना है कि जितना जल्दी कैंडिडेट को दिया जाए वो अपना तैयारी में जुटेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कमेंट आ रहा दादा। नहीं देखिए जितने जल्दी कह दे आप लोग भी जो है ना ऐसा प्रश्न पूछते हैं, बीजेपी अपन कैंडिडेट दिया नहीं, जेएमएम दिया, कांग्रेस दिया, आरजेडी दिया, लोगों का कहना है दादा ये? लोगों का हम सम्मान करते हैं, उन लोगों का कहना अच्छी बात है कि वह लोगों जितना कैंडिडेट, लेकिन ये भी जानिए कि हम लोग अभी एक होकर के पहले संगठन को मजबूत करेंगे, उसके बाद में उसी संगठन में से, ऐसी बात थोड़े कि वह जो अमेरिका के आदमी को उतार देंगे वहाँ पर, वो तो उसी क्षेत्र के आदमी को उतारेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है उसको हम लोग उतारने प्रयास करेंगे। दादा आज जो यहाँ पर मीटिंग बुलाया गया था किन किन बातों पे चर्चा हुआ, क्या कुछ हुआ आज? देखिए यहाँ पर पूरा कि संगठन में अगर यदि किसी प्रकार की कमियाँ हैं उस पर बात हुई, मैनिफेस्टो क्या है उस पर हुई, 1932 का खतियान और सारा नियोजन नीति, उस पर नियोजन नीति मेन, क्योंकि हमारे युवा बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, और अगर यदि हमारी सरकार आती तो हम नियोजन नीति कैसे बनाएंगे ताकि जो 60-40 से बाहरी लोग लूट रहा है उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, उन सारी मुद्दों पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर यदि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले 60-40 की नीति को ख़त्म करूँगा और एक स्पेशल स्थानीय नीति बनाऊंगा जिससे झारखंडी छात्रों को लाभ मिल सके। दादा जिस तरह से रांची में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, सहायक पुलिसकर्मी और आपके सहयोगी जो कि देवेंद्रनाथ मातो हैं उनके ऊपर भी लाठीचार्ज होता है, और ये बहुत ही निंदनीय है जो कि इस तरह से ये घटना झारखंड सरकार के तरफ से ये हो रहा है, क्या कुछ कहना है दादा इनके बारे? देखिए ये सब लोग दबंगाई चल कर रहा है, लाठी से सरकार चलाना चाहता है, इसके पहले भी की आप देखिए कते लाठी होगा। पहले रघुवर वैसे तो बोलते हैं मुंडा ने मुड़ दिया, कोड़ा ने कोड़ दिया, और अब हेमंत सरकार ने कमर तोड़ दिया, ये चीज़ तो हम बोलते हैं आपको, और अबर सबको दिए मौका और सबने बनाया बोका, अबर जे भी कैसे मारेगा चौका ही चौका। तो क्या लग रहा था कितने विधानसभा चुनाव मतलब सीट पे उतारने वाले हैं कैंडिडेट आप लोग? आप लोग मैक्सिमम वह जो है सीटों पर उतारने का कोशिश करेंगे और हम लोग, ताकि सरकार बनाने में मुझे सहूलियत हो, इसलिए मैक्सिमम सीटों पर उतारेंगे। कहाँ से अड़ रहे हैं चुनाव? चुनाव पहले आने दीजिए, पार्टी तय करेगी कि मनोज यादव कहाँ से चुनाव लड़ेगा और कहाँ से बेहतर होगा, इसको वह पार्टी तय। इस बार आप कोरोना लोकसभा से चुनाव लड़े हैं, हाँ, तो उसमें आप क्या कमियाँ देखें? यही बोले कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं
वो लोग झारखंड की माटी की बात नहीं करते हैं, वो लोग धर्म की बात करते हैं, वो लोग जाति की बात करते हैं और उसी के आधार पर ये लोग माल भंजा के चल जाता है। हाँ, ये बात जो कि बहुत सारे पार्टी हैं जो कि अपने जाति धर्म पे वोट मांगते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? ये देखिए, सबसे बड़े बात हमारी भाषा एक है। अगर कोई भी जात है, अगर खोरठा क्षेत्र में रहता है तो खोरठा बोलता है, नागपुरी क्षेत्र में रहता है नागपुरी बोलता है, तो वो एक दूसरे से अलग कैसे हुआ? उसकी भाषा एक है। क्या हम लोग दाल भात खाते हैं तो क्या वो सोना चांदी खाता है? नहीं खाता है। सबको का खान पान एक है, सबकी संस्कृति, यदि फुल पैंट पहनो या साड़ी पहनो तो सबको पहनो है, सबका एक है, तो फिर हम लोग जाति में क्यों बढ़ते हैं? हम भी मरते हैं तो वही बांस के टटरी में जाते हैं, वो मरता है तो वह बांस के टटरी में जाता है, तो फिर हम लोग अलग कहाँ हैं? हम लोग सब एक हैं। सिर्फ झारखंड के माटी की बात होना चाहिए और इसी पर चर्चा हो। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? अभी विधानसभा चुनाव नजदीक में है। अभी साहब, जितना भाई बहन अति झारखंड के नौजवान अति हाथ जोड़ के गोड़ पर होइए और बात तो इन्हीं से अनुरोध करो ये कि बूझ अभी ना जाग भी तो आवा वाला बाल बच्चा सब सुतले रह जीता और जी भी सब बम्बई दिल्ली कमाए ले और तकर बाद बम्बई दिल्ली ऑनलाइन ठठैतो, तकर बाद में फिर सरकार तो लसवा उठा के लानते हो। ऐसा चीज़ ना होवे दी, घर के जो है बाहर वाला लोग तो नौकरी लूट रहा और तोरा जो है से बाहर नौकरी करे जाए पर रहा तोर धन संपत्ति सब चीज़ लुटा रहा और अगर यदि तोरा एगो वोट ठाक के ले रहा एक पर विचार कर, अपन झारखंडी भाई पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपन झारखंडी के जितवे के कोशिश कर। अभी जो है 24 साल में जागल ही आओ, एक बार की साथ दे तकर बात तो नहीं के हम बतेबो कि झारखंड में कैसन सुधार हो सकू। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।